गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र को लेकर राहुल ने फिर सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा एनआईए जांच देवेंद्र पर चुप्पी का सबसे बड़ा तरीका। राहुल ने एनआईए प्रमुख वाईसी मोदी को भी घेरा, कहा गुजरात दंगे और पांड्या हत्या केस का हुआ सब जानते हैं। प्रियंका गांधी ने पूछा देवेंद्र सिंह किसके ऑर्डर पर कर रहा था काम, पूरी जांच हो। निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद सरकार का बड़ा फैसला, जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा 31 जनवरी से सीआईएसएफ के हवाले। देवेंद्र सिंह पर नया खुलासा, जून 2019 में 3 आतंकियों के साथ इसने पठानकोट का किया था दौरा, सुरक्षा एजेंसियां पड़ताल में जुटी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हुई शामिल। भीम आर्मी का प्रमुख चंद्रशेखर तिहार से बाहर आए, कहा सीए के खिलाफ जारी रहेगा अभियान, ये सरकार मुझे नहीं रोक सकती। दरअसल रैली करनी पड़ी लोगों को जगाने के लिए तो हम करेंगे, लेकिन जो ये काले कानून पारित करके हमारे पर थोपे जा रहे हैं ये लोकतंत्र में नहीं होते। चंद्रशेखर का आज फिर जामा मस्जिद दौरा, क्राइम ब्रांच के 2 अधिकारी भी दिल्ली छोड़ने तक रहेंगे उसके साथ। नागरिकता कानून पर बीजेपी सांसद रमेश वर्मा का नारा, कहा सीए सी और एनआरसी सरिया लगाए मजबूत हिंदुस्तान बनाए। दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस ने फिर की प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने की अपील, नहीं पड़ा कोई असर। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को दिखाए काले झंडे, काली स्याही भी फेंकी, सीए एनआरसी का किया विरोध। सीए के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी पंजाब सरकार और कैप्टन सरकार के खिलाफ एयूपी का विरोध प्रदर्शन। सीए के खिलाफ प्रयागराज में 5वें दिन भी जारी प्रदर्शन, धरने पर मुस्लिम महिलाएं जमकर नारेबाजी। दरभंगा में मुस्लिम इलाके में सर्वे कर रहे यूपी के लड़के को भीड़ ने पकड़ा, पुलिस ने बचाई जान। बच्चों में जहर भरने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान पर ओवैसी का पलटवार, नागरिकता कानून से जोड़ा। पीलू खान को जयपुर की रोड पर मारा गया, उन मारने वालों को डीरेडिकलाइज कौन करेगा। सीए समर्थक मुस्लिम वकील ने लगाया सामाजिक बहिष्कार का आरोप, मस्जिद के इमाम के खिलाफ की शिकायत। अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद संघ का ऐलान, मोहन भागवत का एजेंडा में काशी मथुरा से इनकार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आदिवासियों को दिया जा रहा है जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकारी देने के लिए प्रोजेक्ट प्रगति के तहत। निर्भया के दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंची, गृह मंत्रालय ने भेजी रणसिंह। गुनेगारों की फांसी में देरी से रो पड़ी निर्भया की मां, सरकार से लगाई गुहार। निर्भया के सभी 4 गुनेगारों को तिहाड़ के जेल नंबर 3 में किया गया शिफ्ट, वहीं है फांसी कोठी। 50 से ज्यादा सीरियल ब्लास्ट का आरोपी जलीस अंसारी मुंबई से लापता, पिछले महीने अजमेर जेल से पैरोल पर आया था बाहर। बिहार के मुंगेर में सन करने वाली वारदात, एक सन की शख्स ने अपनी मां पत्नी और 3 बेटियों की हत्या कर जान लेने की कोशिश की। दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, अहमदाबाद से मुंबई तक का होगा सफर। कर्नाटक के मैसूर में हाथी ने वन अधिकारी को दौड़ाया, गाड़ी बैक कर बचाई जा रही। पोंगल पर तमिलनाडु के कई शहरों में जलीगट्टू का आयोजन, 641 सांडों ने लिया हिस्सा, 397 पर गाई नहीं, कोई नहीं पा सका काबू। पटना में गंगा नदी घाट की बदली तस्वीर, नमामि गंगे योजना के तहत तैयार नई सीढ़ियां और वॉकर्स। आईएफ ने 9 विदेशी और 50 ट्रैकर्स समेत 107 लोगों की बचाई जान, लद्दाख की जमीनी नदी में फंसे थे। गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में सेना के जवानों की ट्रेनिंग, एलओसी की रखवाली के सिखाए गए गुर। अवलांच के बाद हालात से निपटने के लिए भी जवानों ने ली ट्रेनिंग, स्कीइंग भी करते दिखे जवान। श्रीनगर में भी हिमपात शुरू, तापमान गिरने से जनजीवन हुआ ठप। धनौल्टी में बर्फबारी के बाद घरों की छतों और सड़कों पर जमी मोटी परत, लोगों की बड़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे लगातार 5वें दिन बंद, ट्रैफिक पर लगा ब्रेक। मंडी में जबरदस्त बर्फबारी का दौर, तापमान में गिरावट दर्ज।
हाथरस में तेज बारिश के साथ पड़े ओले रबी की फसल बर्बाद। रोहतक में बेमौसम बारिश और गिरे ओले फसल तबाह होने से किसान मायूस। दिल्ली समेत एनसीआर में बूंदाबांदी, अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगी बरसात, 9 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। रचनारे की सोसाइटी में 2 इंजीनियर के साथ गाड़ने की मारपीट, पुलिस से शिकायत। चित्रकूट में बालाजी मंदिर के महंत की हत्या, बाइक सवार हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बनाई टीमें। मथुरा में यूपी पावर कॉरपोरेशन के जूने इंजीनियर की हत्या, ड्यूटी से लौटते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। अजमेर में शादी समारोह में 27 लाख के गहनों से भरा बैग चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। राजनांदगांव में गाड़ियों से टोल वसूली पर फूटा लोगों का गुस्सा, टोल प्लाजा में भी तोड़फोड़। राजकोट में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे, सीरीज में बने रहने के लिए भारत का जीतना जरूरी। दूसरे मैच में नंबर 3 पर ही खेलेंगे विराट, शतक जमाया तो कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा 42 शतक जमाने वाले पॉन्टिंग की करेंगे बराबरी। बीसीसीआई के सालाना कॉन्ट्रैक्ट के बाहर धोनी पर भी धोनी बेफिक्र, रांची में नेट प्रैक्टिस में बहाया पसीना। प्लेन क्रैश में मारे गए 5 देशों के नागरिकों ने ईरान से मांगा मुआवजा, 8 जनवरी को तेहरान के पास ईरान की मिसाइल लगने से प्लेन हुआ था क्रैश। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।